बहुत सही दरवाजा है इधर। ये फाइन आर्ट्स एसोसिएशन, जैसे कि मैंने आपको कहा, सब इधर आर्ट्स रिलेटेड एग्जीबिशंस, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स, मीन्स कल्चरल म्यूजिक कॉन्सर्ट्स वगैरह सब इधर होती रहती है। अभी थोड़े दिन पहले जॉन लीजेंड आया था। जॉन लीजेंड का आप एक गाना सुनोगे, बहुत सही गाना है, ऑल ऑफ मी, बहुत एक मस्त गाना है उसने उसका। इधर एक रोज़ फेस्टिवल भी हुआ था, जहाँ सब रोज़ वगैरह, इधर सब रोजेस के शॉप थे, बहुत महंगे है भाई रोज। ये एक मॉस्क है शायद, इधर आप देख सकते हैं गोल्डन कलर का सब किया है। इधर भाई आदमियों को पसंद नहीं आता कुछ कुछ वीडियोस वगैरह किया हुआ, इसलिए थोड़ा बच बच के करना पड़ता है। लड़कियों से तो बहुत दूर ही रहता हूँ मैं। किया तो बहुत सही है यार। कतर आउट सेंटर, अब ये आउट का मतलब देखना पड़ेगा। ऑडियो का वगैरह लग रहा है मुझे, शायद ऑडियो म्यूजिक का कुछ तो रहेगा। अरे वाह, इधर सामने बीच है, मतलब पता था पर इधर से दिखेगा नहीं, ये नहीं लगा था मुझे। इधर सामने एक बीच है और एम्फी थिएटर भी है शायद इधर, मतलब इसमें लिखा तो है कतर म्यूजियम अथॉरिटी हॉल एंड एम्फी थिएटर। तो एम्फी थिएटर ढूंढना पड़ेगा यार किधर है। पहले मैं गाने बहुत सुनता हूँ। मुझे लगता नहीं इस ब्लॉग में कुछ कंटिन्यूएशन रहेगा मेरे इसमें। तो ये है कतारा एम्फी थिएटर, मैंने पहले गलत बताया था शायद। तो इधर सब इवेंट्स वगैरह होते हैं, थोड़ा स्टेज बना दे और ऐसे बनाए कि इधर ज़्यादा मतलब गर्मी नहीं रखती। जो आप स्टेयर्स वगैरह देख रहे हैं उधर भी इन्होंने एक्सटर्नल एसीज लगा के रखे, तो ज़्यादा गर्मी नहीं रहती इधर, इसलिए वो आउटस्कर्ट्स में बनाए। आपको लगता होगा बाहर बनाए तो गर्मी होगी, पर कुछ तो आर्किटेक्चर किया है इन लोगों ने, दिमाग यूज़ किया है थोड़ा। मुझे तो लग रहा है अभी कतर के सभी पार्ट्स में शायद बोटिंग होती है, जिधर भी जा रहा हूँ सभी पार्ट्स में बोटिंग चल रही है। तो ये है कुछ तो सीन, इधर भी कुछ तो है, देखना पड़ेगा अभी। पर इतनी सीढ़ियाँ कौन चढ़ेगा यार।
तो ये मेरे ख्याल से इधर सब लोग खेल विल रहे हैं, तो इधर ऊपर शायद होटल ही है मोस्टली, और इसके आगे कुछ जाने का फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ फिर वापस जाता हूँ। यह है उसका बीच, अभी ये साइड में कोई अलाउड नहीं है शायद, इधर शायद वार्निंग टेप वगैरह लगाया है, तो वो साइड में जाके आपको दिखाऊंगा बीच का क्या है। बीच वैसे एक्सेसिबल है, फ्री एक्सेसिबल है कि नहीं पता, होगा तो भी 10 रियाल, नहीं तो 20 रियाल चार्ज होगा एक्सेस के लिए। इधर बहुत लोग बैठे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं। कतर में आपको ऐसी टाइम पास करने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाएंगी, क्योंकि पैसा तो उनके पास आ रहा है, तो टाइम पास ही करना है, तो टाइम पास की जगह बनानी पड़ेगी ना। और ये एक चीज़ देखी है मुझे, कुछ तो बनाया इन लोगों ने, इधर के लोगों को मेकअप का बड़ा शौक है, इसलिए शायद बनाया होगा। भाई और इधर शूटिंग का ऐसा सीन है ना कि मतलब लोग ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली नहीं है, मतलब इंडिया में भी वैसे चलता है पर इधर थोड़ी ज़्यादा ही अनफ्रेंड है। मतलब आप कोई भी शूटिंग वगैरह करोगे तो लड़कियाँ भी क्या रहेगी, तो ऐसे मुंह भी छुपाएगी, कुछ तो करेगी, वो ऑकवर्ड लगता है अपने को भी, फिर शूटिंग करने का मन नहीं करता। मैं अभी वो उसमें भी कर रहा था, जो कांच का कुछ तो था, कुछ तो इन लोगों ने बनाया था उसमें, तो उसमें बहुत लड़कियाँ थी, इसलिए मैंने ज़्यादा देर शूटिंग नहीं किया उधर। अभी मैं बीच की तरफ आया हूँ, ये शायद पर्ल भी दिखेगा इधर से, और सब अभी दिखाता हूँ आपको। तो इधर से ये दिखता है पर्ल है, वो जो आपको आगे दिख रहा है वो पर्ल का तर है, मैं वो शायद से मोस्टली नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा पर्ल का तर, वो भी एक बहुत बवाल चीज़ बनाई है मैंने। ये कुछ तो चीज़ है, इधर शायद कुछ इवेंट्स वगैरह होते रहेंगे, वो पहले मुझे लगा था कि ये टेम्पररी है फिर बाद में निकाल देंगे, पर ये परमानेंट है जो भी है, इसमें शायद वो इवेंट्स रखते रहेंगे। कतार टूरिज्म, कतार में वैसे आप देखोगे ना तो जब मैं नया नया इधर आया था तब मतलब मुश्किल से कोई फॉरेनर वगैरह दिखता था, अभी फिर भी थोड़े थोड़े दिखते हैं। तो ये है पर्ल कतार, और वो जो दो लोग आप जाते हुए देख रहे हैं, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, तो वो मेरे पास आए और उनको ऐसे ही पता चल गया मेरे इससे कि मैं शायद वीडियोस बनाता हूँ या कुछ तो करता हूँ, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप मतलब वीडियो वगैरह बनाने चाहेंगे क्या, तो मैं बोला ठीक है, मतलब मेरे को भी इंटरेस्ट था तो चलो बोला ट्राई करते हैं। तो उनका टॉपिक ये था कि व्हाट वुड यू चेंज इन योर लाइफ और इन द वर्ल्ड दैट वुड बी मीन्स बेनिफिशियल और समथिंग, जस्ट चेंज व्हाट वुड यू मेक इन योर लाइफ। सो मैंने उस पर मतलब क्या ही बताएंगे, 5-10 मिनट मेरे गए उसमें कि क्या ही बताएंगे। तो अभी मैं जो भी व्लॉग बना रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो मैंने अगर ये मतलब बचपन से पढ़ाई नहीं की होती, मतलब उतना ही पढ़ा होता जितना मेरे एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है और समथिंग लाइक दैट, तो वो जो पैसा मैंने कॉलेज के लिए या एजुकेशन के लिए यूज़ किया है, वो शायद मैं ऐसे ट्रैवलिंग के लिए, व्लॉग्स बनाने के लिए या कुछ मेरा इंटरेस्ट होता तो वो करके मैं पूरी ज़िंदगी गुजार देता, तो बहुत सही रहता ऐसे लग रहा मुझे। तो वही टॉपिक मैंने उसमें रिप्रेजेंट किया, पता नहीं अभी वो वीडियो कब डालेंगे,
जब भी वो वीडियो डालेंगे तब मैं पोस्ट कर दूंगा, देखते हैं। देट वॉज नाइस एक्सपीरियंस, मीन्स बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि मतलब बहुत तर लोगों को मैं पंजाबी लगता हूँ, क्यों पता नहीं, शायद पता नहीं, पर सब लोगों को मैं पंजाबी लगता हूँ। वो भी बंदा अभी जो मिला था उसका लगा मैं पंजाबी वगैरह, उसने पहले भी एक पंजाबी बंदे का इंटरव्यू किया था तो उसको लगा मैं पंजाबी वगैरह हूँ, कि शायद मूछों की वजह से उसको लग रहा होगा। पर चलो ठीक है। सो दिस इज़ कदारा, कदारा कल्चरल विलेज। सो एन्जॉय योर डे, एन्जॉय योर वीकेंड।